नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज मैं ई मित्र की सबसे बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं। जिस चीज़ का सभी को इंतजार था उसी का ही अपडेट मैं लेकर के यहां आया हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर ई मित्रा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको पता होगा कि अभी फिलहाल हाल ही में जो क्या है कि ई के वाई सी चल रही है पीएम किसानों की। तो जिन भी किसानों के जो ई के वाई सी नहीं हुई है तो उन लोगों का ई के वाई सी अब आप ई मित्र के माध्यम से भी कर सकते हो। यानी इतने दिन क्या होता था, जिनके पास में सी एस सी होती थी केवल वही ई के वाई सी यहाँ पर कर सकते थे या ओ टी पी के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन अब आप ई मित्र के माध्यम से भी यहाँ पर है जो के वाई सी कर सकते हो। यह सुविधा ई मित्र के ऊपर चालू कर दी गई है। आपको यहाँ पर यूटिलिटी टाइप सर्विस में आना है और यहाँ आने के बाद में आपको लिखना है ई के वाई सी। ई के वाई सी जैसे आप यहां पर लिखोगे तो यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा पीएम किसान ई के वाई सी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर ओके बटन पर क्लिक करना है। यह आपको पीएम किसान वाली साइट के ऊपर ले जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर जो लिंक दिया उसमें भी ई मित्र आ चुका है। तो यहाँ पर अब आपके सामने ई के वाई सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। हालांकि उसमें सी एस सी में भी इसी प्रकार से खुलता है, लेकिन उसमें बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको बायोमेट्रिक का ऑप्शन ही दिया गया है, तो आप केवल यहाँ पर बायोमेट्रिक ही कर सकते हो। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर है वो लगा देना है। तो जैसे ही आधार कार्ड नंबर लगाओगे और यहाँ पर इसके बाद में आपको कैप्चा जो लगाना है, तो कैप्चा टाइप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। जैसे सर्च बटन पर क्लिक करोगे आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लगा देना होगा और उसके बाद में गेट मोबाइल ओटीपी, तो ओटीपी प्राप्त करोगे और ओटीपी यहां पर वेरीफाई कर दोगे। जैसे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से है जो डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर है कैप्चर मोर्फो मंत्रा जो भी है, तो सारी आपके सामने जिस प्रकार से हम सीएससी में करते हैं उसी प्रकार से आ जाएंगे। तो यहां पर आपको मंत्रा है तो मंत्रा पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपके पास में दोस्तों मोर्फो है तो आपको आरटेक पर क्लिक करना होगा, यहां पर मोर्फो डिवाइस वाले पर क्लिक नहीं करना है। यानी मोर्फो और मंत्रा के लिए ये दो ही सॉफ्टवेयर आपके काम करेंगे, ऊपर वाले दो आपको काम में नहीं लेने हैं। तो मैं मंत्रा के ऊपर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हो ऊपर यहां पर आरडी सर्विस है डिस्कवर सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है। आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। पुट योर फिंगर, ये देखिए आप यहाँ पर कैप्चर भी सक्सेसफुल हो गया है। ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में सबमिट का बटन नीचे आ जाएगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जैसे सबमिट करोगे तो आपका यहाँ पर है जो ई के वाई सी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है। अब आप ई मित्र के माध्यम से भी यहाँ पर ई के वाई सी है जो सभी की कर सकते हो। यानी पहले जिसके पास में सी एस सी होती थी केवल वही यहाँ पर है जो वेरीफाई कर सकता था या किसानों की जो ई के वाई सी कर सकता था, लेकिन अब ई मित्र वाले भी कर सकते हैं। यानी पूरे राजस्थान वाले यहाँ पर अब ई के वाई सी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना कि ये जो न्यूज है आपको कहां से किस प्रकार से मिली, और यदि आपको पहले इसी चैनल से मिली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, और साथ में आपको वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताएं। और यहां पर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन, हर एक जो नई न्यूज आती है वो तुरंत ही आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।